सब्सक्राइब कीजिए एक्सप्लेन इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और पाइए नए वीडियोज की जानकारी सबसे पहले सीधा अपने मोबाइल के इनबॉक्स में। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। मैं संतोष। दोस्तों, आप किसी भी तरह के बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक नेम साथ में एक कोई भी तरह का चिन्ह यूज करते होंगे, जो कि आगे चल के आप सोच रहे होंगे कि आपका बिजनेस को रिप्रेजेंट करे आगे और आप बाद में उसको एक ट्रेडमार्क की तरह यूज करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक देश में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो कि आप यूज नहीं कर सकते ट्रेडमार्क में या फिर किसी भी ऐसे कॉमर्शियल चीज में जो कि आपको बेनिफिट देता हो। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमें स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता कि कोई ऐसा रूल है जिसमें कि हम किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते, और इस कंडीशन में हम कुछ ऐसे चीजों को यूज कर लेते हैं अपने ट्रेडमार्क में जो कि मुझे लगता है कि हम उसको देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अशोक चक्र, अशोक चक्र को हम यूज कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है और हम उस चीज को ट्रेडमार्क बनाने के लिए, उसको नॉमिनेट करने के लिए जाते हैं, और हमें पता चलता है कि हमने चूंकि कुछ ऐसे मार्क्स को यूज कर लिया अपने ट्रेडमार्क में जो कि प्रोहिबिटेड हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि आखिर हम यह कैसे जाने कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिया में प्रोहिबिटेड मार्क्स हैं, प्रोहिबिटेड चिन्ह हैं, जिसको हम अपने ट्रेडमार्क में यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज आप ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं कि कैसे आप जानेंगे और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आप अपने ट्रेडमार्क में यूज नहीं कर सकते हैं और जो प्रोहिबिटेड मार्क्स हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं ये कौन कौन से प्रोहिबिटेड मार्क्स हैं। दोस्तों, इसके लिए आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी हो उसके ब्राउजर में जाएं, जैसे कि मैं गूगल क्रोम में जा रहा हूं, और अपने ब्राउजर में जाने के बाद सर्च बॉक्स में लिखें ट्रेडमार्क सर्च, और ट्रेडमार्क सर्च लिखकर उसको सर्च कर दें। जैसे ही आप ट्रेडमार्क सर्च लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने उसके रिलेटेड जितने भी सर्च रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। तो आपको सबसे ऊपर ही एक लिंक मिलेगा जो कि लिखा हुआ होगा पब्लिक सर्च, और उस वेबसाइट का नेम है ipindiaonline.gov.in। तो आप सबसे ऊपर का जो लिंक है उसमें क्लिक कर दें। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप उस वेबसाइट में चले जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, ये किसी भी तरह का फॉल्स नहीं। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी वो पूरी सच्ची होंगी। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी इस वेबसाइट तक डायरेक्ट आ सकते हैं। और जब इस वेबसाइट में आप आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में ही कुछ मेन्यूज हैं, यहाँ पे कुछ लिंक्स आपको दिख जाएंगे जैसे कि क्लास डिटेल्स, वेल नोन मार्क्स, और उसके बाद आपको यहीं पे एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोहिबिटेड मार्क्स। तो आपको बस इस प्रोहिबिटेड मार्क्स के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी इंडिया में प्रोहिबिटेड मार्क्स हैं, चिन्ह हैं, उसका लिस्ट आ जाएगा, और यहां से आप पूरी डिटेल जानकारी इसकी ले सकते हैं कि कितने ऐसे चिन्ह या मार्क्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड है इंडिया में और जिनको आप अपने ट्रेडमार्क में यूज नहीं कर सकते, या फिर आप अगर यूज कर रहे हैं तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता उन चीजों के नाम पर या फिर चिन्ह पर। इसी तरह से आप यहाँ पे पूरा लिस्ट चेक कर सकते हैं और एक एक करके सारी चीजें देख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, यह जानना कि कौन सी ऐसे चिन्ह है या फिर मार्क्स है जो कि प्रोहिबिटेड है इंडिया में, जिनको हम अपने ट्रेडमार्क में यूज नहीं कर सकते, ये कितना आसान है। और मुझे उम्मीद है इस जानकारी का आप लाभ उठाएंगे और अभी स्टार्टिंग पीरियड में ही आप उन सारी चीजों को यूज नहीं करेंगे अपने ट्रेडमार्क में, जिससे कि आगे आने वाले प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से यह जानकारी और भी लोगों तक जाती है। और हमारे इस वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के किसी भी सुझाव सवाल आप कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स लिखें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल लेके हम आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।